हेलो जी, राम राम। और भाई आज ठंड फिर तय कर दी राम ने। बूंदाबांदी चल रही है, सुबह की धुंध लग रही थी, मौसम खराब चल रहा था, कपड़े भी काफी थे, कपड़े धोए आज सुखा के कपड़े, और बैठ गया अपनी मशीन पे बैठ गई। पता ही ना चला अंदर कब बारिश आ गई, कब बूंदे आ गई, और कुछ कपड़े भीग गए। अब सारे कपड़े भाग भाग के उतारे और अंदर रस्सी बांध दी है, यहाँ सुखाए कपड़े, और मौसम गीला हो रहा है बाहर, तो फिर बाहर तो सूखन आ गए। कुछ जो अंदर की साइड रस्सी थी उन पे छोड़ दिए, कुछ ये कुर्सी कर्सियाँ पर डाल दिए। और आज मैंने बनाई है एक जबरदस्त ड्रेस, आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये ड्रेस मैंने बनाई है साड़ी की, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। चाय पीने के बाद एक साड़ी और है, उसका लहंगा बनाऊंगी, लहरिया साड़ी। तो देखो, ये इसका बॉर्डर था नीचे की साइड, जो मेहरूम आपको नजर आ रहा है, ये मैंने नीचे इसके वापिस से लगा दिया बॉर्डर। ये प्लेन साड़ी थी, इसके ऊपर बस ये बॉर्डर था, तो ये मैंने वापसी लगा दिया। और इस तरह से इसमें मैंने डाली है प्लेटें। थोड़ा कैमरा सही करूं, कैमरा सही नहीं है मेरा। तो अब देखो, ये इसमें जो बॉर्डर था ना, बॉर्डर उसी के मैंने बटन बना के लगा दिए यहाँ पर। और यहाँ प्लेट डाली है, ये वाली डाली है आरमोल्स वाली, और इतना चौड़ी दे के, और नीचे का ये ऐसे बनाया है यू शेप में। थोड़ा सा ये नेक है, स्लीव्स हैं वो पूरी यहाँ तक की हैं, चूड़ियों वाले स्लीव्स भी आप इनको बोल सकते हैं। और बैक डीप फुल गोल, और ये इसके लटकन जो बॉर्डर बचा था उसी के मैंने फिर ये वाले लटकन इसके पीछे डोरी और लटकन बना दिए। तो यह पूरी साड़ी थी येलो कलर की प्लेन, और इसका कस्टमर ने बनवाना था फ्रॉक सूट, तो कुछ इस टाइप का मैंने ये फ्रॉक सूट बना दिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी 5:30 बजे हैं, एक लहंगा और ब्लाउज तो और मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि बनाने हैं वो मैंने, तो वो बनाऊंगी। उससे पहले मैं पी लेती हूँ चाय। और साड़ी में और भी कपड़ा और बॉर्डर ये बॉर्डर बच गया साड़ी में से, और ये कपड़ा और बच गया, एक कुर्ती और बन सकती है इसमें। तो ये पूरी प्लेन साड़ी थी, और नहीं ये थी, यूज भी नहीं करी थी। कौन सा डॉक्टर कन गए हो? ठीक दिखा हो रहा है। तो जी, ईब चाय पी ली, पेट पूजा कर ली, अब करते हैं आगे का काम। तो यह साड़ी है, लहरिया की साड़ी है ये देखो, और इसका ईब मैं बनाऊंगी लहंगा। तो नीचे इसमें लगा है गोल्डन बॉर्डर और रानी कलर, तो देखूंगी इसने भी साथ में अटैच करूं या नहीं करूं। और उसके बाद ये लेस ली है, ये लेस लगाऊंगी इसके बॉर्डर पे, और बचगी तो ऊपर आसन पे। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है, जैसे साड़ी को चेक कर लेंगे कितने मीटर की साड़ी है, तो इसमें से 4.5 मीटर कपड़ा रखेंगे, काफी घेर हो जाएगा 4.5 मीटर का कपड़ा, इतनी ही फिर लैस है, अगर ज्यादा इसमें से रखेंगे तो लैस कम पड़ जाएगी। तो 4.5 मीटर कट कर देंगे, और बाकी का इसमें से हटा देंगे। और जो ये लंबाई है, इसमें से जितना हमारा लहंगा तैयार होगा उतना माप करके नेफे का एक्स्ट्रा निकाल करके ऊपर का कट कर देंगे, बाकी पूरे में इसमें छोटी 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 चुन्नट डाल लेंगे। तो मैं अभी आपको बना के फिर बाद में दिखाती हूँ। लो जी, 8 बज गया, मैंने सीन लिया लहंगा, देखो आपने दिखाऊंगी, सही जबरदस्त लहंगा बनाया है। अभी दिखाती हूँ,
एक लेस की लाइन मैंने ऊपर लगा दी और नीचे लगा दी लेस गोल्डन और रानी कलर, और खूब सारा फुल घेर बना दिया मैंने इसका। और ये देखो पहनने के बाद सही तना दिखा, पूरा लुक दिखाऊं ऐसे करके, ये देखो। अरे यार अभी भी नहीं दिखा है तो यार घेर तो इसका पूरा सही बना है, पर दिखाऊं कुकर थोड़ी दूर होके दिखाऊंगी। देखो 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 कितना जबरदस्त इसका फ्लेयर आया है, सही आया है ना, सही बन गई ना साड़ी, रीयूज होगी इसका, सही घेर बना है, सही डिजाइन बन गया। जो ये आगे आगे आए हैं ये पल्ले पे थे, ये डिजाइन आगे आगे आ गया, और जो पीछे तो हो गया प्लेन, एक फूल आया है उसने खोल देंगे, फूल ने मोती से चिपका रखे हैं वे उतार देंगे। और लहरिया का कपड़ा है, इसी में इसका ब्लाउज बनाऊंगी, ब्लाउज ही वह बनाया नहीं है मैंने, इससे में पूरा टाइम लग गया। और एक लेस की लाइन या मैंने ऊपर लगा दी इसमें, इब तो इसका और भी काम रह रहा है, इब तो इसकी लटकन भी बनानी रह रही है, नाड़ा भी बनाना रह रहा है। और इस पे रानी कलर का वेलवेट का दुपट्टा है, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त ड्रेस बन जाएगी, बढ़िया लगेगी, सही घेरा गया। नीचे इसका जो इनर लगाया है वो साठन का कपड़ा में लगाया है, शाइनिंग वाला कपड़ा में, उसने घेर भी सही आ गया और इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी अच्छी होगी, तो जबरदस्त ड्रेस बना दी है। इब इसका लटकन तो बाद में ही बनाऊंगी जब इसका ब्लाउज सिलूंगी, इब तो मैं इसकी इसने छोड़ के खाना खुना बनाऊंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाऊंगी, बर्तन भी पड़े हैं चाचू के सारे। तो यो आप ताई मैंने दिखाना था ताकि आपने भी आइडिया लग जाए इस तरह ते, अगर साड़ी ते मन भर गया हो तो। आजकल लहंगा का बहुत फैशन चल रहा है इस टाइप के लहंगे, तो आप भी बना सको। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज चुके हैं, मौसम है बूंदाबांदी का, बूंदाबांदी चल रही है। और अभी मैंने रात में तो अपने ब्लाउज कटिंग करा था, आधा सिला था, पूरा नहीं कर पाई थी, तो ईब मैंने पूरा कर दिया, सिल दिया, लटकन वटकन बना के बिल्कुल रेडी कर दिया, और सही वी गला बनाया है, लेस लगा दी, एक नंबर का सही ड्रेस बनी है। ये इसका लहंगा, लहंगा भी जबरदस्त बना है, हैवी लहंगा बना है, और सेम इसका जो है ब्लाउज बनाया है, और ये नाड़े की लटकन बनाई है, ये देखो ये नाड़े की लटकन बनाई है लहंगे का, और ये ब्लाउज का लटकन बनाया है। और अभी मैं आपको दिखाऊं पूरा ब्लाउज का लुक, तो ये देखो ये आगे का है वीगला और हैवी साइज का ब्लाउज है, फुल मतलब डबल एक्सल तक, चेस्ट 43-44 तक, और 3/4 स्लीव्स, आजकल ये ज्यादा चल रही है ब्लाउजों की स्लीव्स तो अच्छी लग रहे हैं फिर। और यहाँ आगे की साइड पूरी चुन्नट प्लेटें डाल के तुरपाई अभी होनी बाकी है, वी इसका नेक दिया है, और पीछे का भी वी डीप नेक दिया है, और पीछे यहाँ इस पर हुक लगेंगे, यहाँ मैंने हुक पट्टी इस पर लगाई है, अभी तो मैंने पिन लगा रखी है, हुक लगाने बाकी हैं। तो इस तरह से मैंने उसका लहंगे का ब्लाउज बनाया है, लहंगा मैंने कल आपको दिखा दिया था, तो ये सारे काम ये मैंने सुबह उठ के करे हैं। ये दो ड्रेस बना दी मैंने, एक लहंगा बना दिया और एक ये फ्रॉक बना दिया। तो कैसी लगी आपको दोनों साड़ियाँ, दोनों साड़ियों की जो बनाई हुई है ड्रेस,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सी ड्रेस ज़्यादा सुंदर लगी।